हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आज शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी के हम लोग क्लोज हैं और ये पूरा महीना काफी शॉर्ट्स हुआ था। सो एक शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सपेक्टेड था जो कि आज हमें देखने को मिला। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने क्लियरली बताया था शॉर्ट कवरिंग रैली एक्सपेक्टेड है आज बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। ये निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट। अगर आप देखो ये इनसाइड कैंडल्स फॉर्म हो रहा था और आज एक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे 9200 के अबाउट एक ब्रेकआउट हो चुका है। सो अब यहाँ से व्यू जो है वो बुलिश हो गया है। एनी डिप्स अराउंड 9200 विल बी अ वेरी गुड बाई लेवल। अगर आपके कोई शॉर्ट पोजिशन है तो शॉर्ट पोजिशन आपको स्क्वेयर ऑफ करना चाहिए, और 9200 के आसपास अगर कोई भी डिप मिलता है दैट विल बी अ वेरी गुड बाय ट्रेड फॉर अ टारगेट ऑफ 9500। तो यहाँ से व्यू अभी बुलिश हो गया है एंड बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। बैंक निफ्टी अगर आप देखिए, बैंक निफ्टी एक चैनल में ट्रेड कर रहा था और बैंक निफ्टी ने आज ये चैनल ब्रेक कर दिया, और चैनल ब्रेकआउट दिया अभी। अब यहाँ से बैंक निफ्टी में टारगेट आते हैं एटलीस्ट 20,000 तक के। सो अनदर 1500 पॉइंट रैली यू कैन एक्सपेक्ट इन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी अगर कोई भी डिप आता है इट विल बी अ वेरी गुड बाय ट्रेड फॉर अ टारगेट ऑफ 20,000। कल एक्सपायरी है तो कल निफ्टी में हम एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 9350 से 9400 के लेवल के बीच में। ये 50 पॉइंट के रेंज में हम एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज पर द डेटा। एंड बैंक निफ्टी में 18,500 से लेके 19,000, ये 500 पॉइंट के रेंज में एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये रेंज होगा एक्सपायरी का 9350 टू 9400 फॉर निफ्टी, 18,500 टू 19,000 फॉर बैंक निफ्टी। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक। मैंने आपको लास्ट वीडियो में तीन ट्रेड दिए थे, तीनों ही स्टॉक के लेवल ट्रिगर नहीं हुए। मैंने आपको वोल्टास सेल दिया था, इसका भी लेवल ट्रिगर नहीं हुआ। मैंने आपको टीसीएस सेल दिया था, इसका भी लेवल ट्रिगर ही नहीं हुआ। मैंने आपको टाटा कंज्यूमर बाय दिया था, इसका भी लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है। तो कोई भी एक्टिव ट्रेड नहीं था आज। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सबसे पहला स्टॉक होगा सन फार्मा। सन फार्मा अगर आप देखो डेली चार्ट, यहाँ पर एक ये सपोर्ट है और बार बार प्राइस यहाँ पर टेस्ट कर रहा है। आप देख सकते हो बार बार यहाँ पे प्राइस टेस्ट कर रहा है। इनफैक्ट आज इसका रिजल्ट भी है। तो कल अगर गैप डाउन होता है, लेट से 440-442 के बिलो गैप डाउन होता है तो ये काफ़ी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा, क्योंकि इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, इसके नीचे डायरेक्ट यहाँ पे लेवल जाते हैं। सो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है सन फार्मा में अगर 440 के नीचे जाता है। तो 440 के नीचे काफ़ी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा सन फार्मा। कौन से लेवल पे एक्जैक्टली शॉर्ट कर रहे हैं मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक होगा टाटा स्टील। टाटा स्टील अगर आप देखें, इसने इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया था और आज इसने इवनिंग स्टार पैटर्न, बेरिश पैटर्न को निगलेक्ट कर दिया। इट्स अ बुलिश साइन। ये बुलिश साइन हुआ क्योंकि बेरिश पैटर्न को निगलेक्ट हुआ है। तो मुझे लगता है यहाँ से इमीडिएट टारगेट 300 तक के आ सकते हैं। तो एक 10-15 रुपए का अपमूव हमें देखने को मिल सकता है टाटा स्टील में। टाटा स्टील काफी अच्छा बाय कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए। थर्ड स्टॉक होगा मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में भी एक ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। अगर आप देखो ये रेंज था एक, और ये रेंज से एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो मुथूट फाइनेंस में एटलीस्ट हमें 875-900 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो मुथूट फाइनेंस कैन बी अ वेरी गुड बाय ट्रेड फॉर टुमारोज इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन फॉर अ टारगेट ऑफ 875 and 900। एट वॉट लेवल यू हैव टू ट्रेड आई गिव द लेवल्स इन टेलीग्राम चैनल। लास्ट स्टॉक होगा पीएफसी। पीएफसी का सेटअप बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर आप देखो ये बहुत बड़ा फॉल था एक, एंड यहाँ पे इसने एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनाया और आज इसने एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनाया। तो पॉसिबल एक रिट्रेसमेंट रैली हमें देखने को मिल सकती है 80 और 82 तक के लेवल्स तक। तो इसमें एक 3-4 रुपये का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है अप मूव। तो पीएफसी कैन बी अ वेरी गुड बाई ट्रेड। पीएफसी काफी अच्छा बाई ट्रेड रहेगा कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है काइंडली लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।